गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? हाँ जी, मैं जा रही हूँ बिन बुलाए शादी में और मेरा पूरा गैंग जा रहा है। आज का चैलेंज है बिना बुलाए शादी में जाना। ठीक है, तो किसी ने बताया कि फला जगह शादी है, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं शादी में, फला जगह। तो चलिए आप लोग को भी ले चलते हैं, लेकिन अच्छे से रेडी होके जाएंगे ताकि किसी को पता ना चले कि हम लोग बिना बुलाए आए हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है, डर भी लग रहा है कि वहाँ क्या होगा। बाय द वे, मैंने कर्ल्स कर लिया है और जल्दी से अब होते हैं रेडी। ऐसे यहाँ निशा को मैं ज़बरदस्ती तैयार कर रही हूँ। निशा क्या कहना चाहेंगी? अब भी ना ले जाइए, पकड़े जाएंगे। बिन बुलाए हम लोग बराती बन के जा रहे हैं आज। ज़बरदस्ती जा रही है मंतशा। अच्छा तुम पीछे ही करके बोल दो। क्या कहना चाहोगी बोलो। ना ले जाइए क्या फायदा, मंतशा मुंह नहीं दिखाती है, हर वीडियो में दिखा देती है, यहाँ दिखाई नहीं रही है, कह रहे हैं कि मूड चेंज होता है। तो यहाँ पे मेरा मेकअप हो चुका। आई नो अब आप लोग कहने वाले आप बहुत मोटी हो गए। यस मैं बहुत मोटी हो गई हूँ। यस यस कोई बात नहीं, जल्दी वेट कम करूंगी। तो यहाँ पे मेरा मेकअप हो चुका, बस मैं चेंज करके फटाक से आती हूँ। गाइस तो मैंने ये सूट पहना था, बट इसका जो पजामा है वो टाइट हो गया और अभी मैंने दूसरा सूट मंगाया है, आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत सूट था, बट हाँ मुझे अपना बदन देख के अफसोस हो रहा है, मैं कितनी मोटी हो गई हूँ। मैं मोटी हो गई हूँ और तबीयत से मोटी हो गई हूँ, मतलब मुंह देख रहे हो। मेरी अम्मी अगर ये वीडियो देख रही होंगी बहुत खुश हो रही होंगी कि मेरी बिटिया कितनी मोटी हो गई, कितनी अच्छी लग रही है। बट सच बताओ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। शादी में जा रहे, असली शादी में नहीं जा रहे। जो मुंह देखो, मेकअप लगा के दोबारा छुड़ा रही, इसका मुंह गिरे हो गया। देखिए अपनी शादी जाए नकली हो जाए असली हो, वहाँ देखने वाले लोग तो हो गए ना, क्या करेंगे। गाइस पता है क्या हुआ, कदम से बेगाने शादी में अब्दुल्ला थे हम लोग, ऐसे तो हम लोग को पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। मैं ये जो सूट पहनी थी, मैं इतनी मोटी हो गई मेरे ये चढ़ ही नहीं रहा है ऊपर, और ये निशा कब से तैयार हो रही मिटा रही। दिखाओ निशा, और निशा के पास दुपट्टा नहीं था, हम लोगों ने सोचा कि अभी दुपट्टा खरीदेंगे, टाइम ज्यादा हो चुका है दुपट्टा मिल नहीं रहा है। तो हमने क्या किया कि तुम मैं दूसरा सूट पहनने जा रही हूँ और निशा अब ये दुपट्टा लगा लेगी। देखो निशा लग रहा है, देखिए कितना प्यारा लग लग गया लग गया लग गया। ये सही है, आज हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, आज हम लोग देखो क्या होता है, क्या होता है, भगाए जाएंगे, क्या होगा अब हमें कुछ नहीं पता। चल बने रहिए, जो भी होगा तुमको पता चल जाएगा। आज तो हम लोग को निकलते निकलते 9:30 बज गया, इसलिए हम लोग लेट में जा रहे हैं ताकि सब लोग अपने महफिल में बिजी रहें और हम लोग पे कोई ध्यान न दे। यहाँ पे निशा को देखो, और अगर बारात आ गई तो थोड़ा सा डांस भी कर ले हम लोग। शादी में पहुँच चुके हैं सब लोग, हमें बहुत हम लोगों को बहुत गौर से देख रहे हैं। हम लोग खा रहे हैं चाउमीन, सब सोच रहे हैं लड़के की तरफ से, कोई सोच रहा है लड़की की तरफ से, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से इनवाइटेड इसको देख। बताशा क्या खा रही है? टिक्की खा रही है, टिक्की। गाइस हम लोगों को पता नहीं रहा है, मैंने खाया अभी चाउमीन, मैं खा रही हूँ फिंगर चिप्स। उसको पूछ ना ले हम कहाँ से क्या नॉन वेज है पूरा। अप्पी 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 बेगानी शादी में आए फिर भी नॉन वेज। गाइस हम लोग खाने पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, बस खा के जल्दी से भागते हैं यहाँ से। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पे मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर मिल गई, सबसे मैं मिली जुली बातें किया, खूब सारा खाना खाया और बहुत मज़ा आया। लग ही नहीं रहा था कि मुझे यहाँ कोई पहचानता नहीं है, सब मुझे पहचान रहे थे और मुझे बहुत मज़ा आया। हाय गाइस, तो वापस आ चुकी हूँ और मेकअप मैंने सब निकाल दिया, अभी सोने जा रही हूँ। ठीक है,
तो सोने से पहले आज मेरा वीकली स्किन केयर है, तो चलिए आप लोग को अपना वीक में मैं कैसा अपना स्किन केयर करती हूँ वो दिखाती हूँ। ओके गाइस, तो हर 15 डेज पे मैं अपने फेशियल हेयर को निकालती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया एलोवेरा जेल, तो हर 15 दिन में मैं सबसे पहले अपने फेशियल हेयर को निकालती हूँ। नेक्स्ट स्टेप पे मैं लेती हूँ स्टीम, और ताकि जो भी मेरे ब्लैक हेड वाइट हेड है वो बहुत अच्छे से रिमूव हो जाए, और वो मतलब अगर आप डायरेक्टली ऐसे निकालना शुरू करोगे तो वो नहीं निकलेगा, तो इसलिए स्टीम लेना ज़रूरी होता है। तो मैं स्टीमर कौन सा यूज़ करती हूँ पहले वो बता दूँ। तो गाइज, ये है अगारो का स्टीमर जो मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ, तो चलिए इसके बारे में आप लोगों को डिटेल में बताते हैं। ये स्टीमर काफ़ी यूज़फुल स्टीमर है जो कि इसे बच्चे बड़े बूढ़े सब यूज़ कर सकते हैं। गाइज, फेस पर स्टीम लेने से काफ़ी फ़ायदे होते हैं। ये फेस की स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, डेड स्किन को रिमूव करता है, रिंकल वगैरह में भी ये फ़ायदा करता है, ये पोर्स को ओपन करता है। इसके अलावा अगर आपको कफ एंड कोल्ड है तो ये स्टीम लेने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो ये बना हुआ है एवीएस प्लास्टिक से और इसमें नॉन टॉक्सिक मटेरियल यूज़ किया हुआ है जो कि बिल्ड क्वालिटी को बहुत ही अच्छा बनाता है। इसमें सेरेमिक पीवीसी हेल्थ एलिमेंट लगा हुआ है जो सिर्फ 30 सेकेंड के अंदर आपको गर्म करके स्टीम प्रोड्यूस करेगा, और ये स्टीम अल्ट्रा फाइन स्टीम प्रोड्यूस करता है जो कि नॉर्मल स्टीम से बहुत ही ज़्यादा फाइन होता है। इसका फ़ायदा ये है कि इससे स्किन बर्न नहीं होता और डैमेज भी नहीं करता। इसमें यूवी लैम्प लगा हुआ है, यूवी लैम्प से निकलने वाले स्टीम को ये स्टरलाइज भी करता है, जिससे हम लोग इनहेल भी करेंगे या फिर अपने फेस पे स्टीम को डालेंगे भी तो किसी भी तरीके का हेल्थ इश्यू नहीं होगा। ये 10 मिनट तक स्टीम प्रोड्यूस करता है लगातार, और अगर एक बार वाटर ख़त्म हो जाने के बाद ये अपने आप शट ऑफ हो जाए। और इसके साथ एक ट्रे मिल जाती है जो कि आप इसके ऊपर रख सकते हो और इसके ऊपर मेडिसिन वगैरह रख के स्टीम ले सकते हो। इसके साथ ये कॉटन पैड भी आता है जिससे आप कोई भी ऑयल एसेंस रख सकते हो, और ये देखिए इसके साथ एक कंटेनर आता है जो कि आप इसे पूरा फुल कर सकते हो जितनी आपको स्टीम चाहिए। मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए तो मैंने हाफ ही फिल किया है, इसे अटैच कर दिया और अब मैं लगाऊंगी। ये देखिए मैंने लगा दिया, अभी मैंने इसको कर दिया है ओपन। 30 सेकंड के अंदर ही देखिए इसे स्टीम आने लगी और मैंने अच्छे से स्टीम ले लिया। स्टीम लेने के बाद मैं अपना सेकेंड स्टेप करने जा रही हूँ, और यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर यूज़ करें अगारो का ये स्क्रबर, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो डिवाइस है ये आपके स्किन को ग्लोइंग स्किन देता है। सो दिस डिवाइस इज गोइंग टू गिव यू ग्लोइंग स्किन बाय द कंफर्ट ऑफ योर होम, एंड दिस डिवाइस इज अल्ट्रासोनिक फेशियल स्क्रबर बाय अगारो। इस स्क्रबर को आप मल्टी तरीके से यूज कर सकते हो। ये स्क्रबर आपके स्किन को डीपली क्लीन करता है और ये आपके स्किन को एजिंग से भी प्रोटेक्ट करता है। आप अपने स्किन पर जो भी न्यूट्रन लगाते हो वो बहुत ही अच्छे से आपके स्किन में एब्जॉर्ब कराता है, और ये आपको पार्लर वाला ग्लो प्रोवाइड करता है, और ये आपको फेस लिफ्टिंग एंड एंटी एजिंग के लिए यूज़ करना है तो आपको इसे रेगुलर यूज़ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने जो है नाइट में यूज़ किया और सुबह आपको जो है रिंकल फ्री एंड लिफ्टिंग हो जाएगा आपका फेस, ऐसा नहीं। इसे सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंट आपका जो फेस है वो क्लीन करता है। इसके 4 मोड्स आते हैं और ये एडजस्टेबल मोड के साथ आता है, फर्स्ट क्लीनिंग, दूसरा लिफ्टिंग, तीसरा आयन प्लस, चौथा आयन निगेटिव। ये प्रोडक्ट 100% स्टेनलेस स्टील के स्पैचुला के साथ आता है, विच इज़ एब्सोल्युटली सेफ टू यूज डायरेक्टली ऑन द स्किन। ऑल्सो ये 2 ब्रिसल्स के साथ भी आता है जो कि आप इसे क्लिंजिंग के लिए भी इसे यूज कर सकते हो, क्लिंजिंग के लिए। तो फर्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे क्लिंजिंग कर रही हूँ, तो ये देखिए कितने अच्छे से मेरे जो डेड स्किन वगैरह अच्छे से निकल रहा है। ये जो प्रोडक्ट है बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी के साथ काम करता है जो कि आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा डीप क्लीन करता है बिना आपके स्किन को डैमेज किए हुए। इससे आपके फेस का टेक्सचर इम्प्रूव होता है और आपको मिलती है एक ग्लोइंग स्किन। बात करते हैं इसके सेकंड मोड के, लिफ्टिंग मोड है ये। इसे आप यूज़ कर सकते हो कोई भी एंटी एजिंग क्रीम के साथ। जब आप ये प्रोसेस करोगे, जब आप इसे क्रीम के साथ करोगे तो क्या होगा ना कि आपको एक बहुत ही ज़्यादा अपलिफ्टमेंट मिलेगा आपके फेस पे। ऑल्सो मेक श्योर कि मैंने पहले ही मेंशन किया है कि आप
आपको इसे लगातार इस्तेमाल करना है, तभी आपको लिफ्टिंग वाला इफेक्ट दिखेगा। मेक श्योर जब आप इसे मसाज कर रहे हो तो इसका जो स्टेन है वो आउटवर्ड हो, इनवर्ड ना हो। ये जो मोड है वो फाइन लाइन एंड रिंकल एंड एजिंग पर काम करता है। इसके बात करते हैं आयन प्लस मोड की। ये आप इस्तेमाल कर सकते हो टोनर के साथ। इस मोड के साथ यूज़ करने से जो भी पॉजिटिव आयंस है वो जनरेट होते हैं एंड आपकी स्किन में और आपके पोर में जो भी इंप्योरिटीज़ होती है उसे निकाल देता है और आपकी स्किन को डीप क्लीन करता है। सो दिस मोड क्लीन योर फेस कम्प्लीटली, पुल आउट ऑल द डर्ट्स और आपकी स्किन को इंस्टेंट डीप क्लीन करता है, ग्लोई हो जाती है आपकी स्किन। लास्ट मोड इज आयन निगेटिव मोड। ये आप यूज़ कर सकते हो कोई भी प्रोडक्ट के साथ, जैसे कि आपकी कोई भी नरिशिंग क्रीम हो गई या फिर कोई लोशन हो गया या फिर कोई सीरम हो गया या फिर कोई फेशियल मास्क हो गया, इसके साथ आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो मोड है, आप कोई भी प्रोडक्ट अगर आप अपनी स्किन में लगाते हो तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपके स्किन में इसे एब्जॉर्व कराता है। जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपके स्किन में पहुंचाता है। और ये जो प्रोडक्ट है ये आप इसे यूज़ कर सकते हो 2 से 3 बार हफ्ते में 5 मिनट के लिए, लेकिन अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप सिर्फ इसे 1 ही बार यूज़ करिएगा। जब इस प्रोडक्ट को आपको क्लीन करना है तो हमेशा कॉटन पैड से ही इसके स्टेन को सिर्फ साफ करना है और पानी से तो बिल्कुल मत साफ करिएगा। इसके साथ एक यूएसबी केबल आती है जिससे आप इसे चार्ज कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए कि कितने अच्छे से मेरे फेस को इसने क्लीन कर दिया है। और इस प्रोडक्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप जाके ज़रूर से चेक कर। तो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो, ये थी मेरी स्किन केयर रूटीन जो मैं करती ही करती हूँ, तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करना और कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर।